ज़रा सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रैक पे गए हो और फिर अचानक से सब लोग इस बीहड़ जंगल में गुम हो जाते हैं। क्या कर रहा है वो? और वो अकेला क्यों जा रहा है? लेकिन ये जगह कहाँ है? अपना लोकेशन देखो, अपन कहाँ पे? क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। मैं गैस वापस जाता हूँ, वहाँ से देखूंगा, वो पता चल जाए कहाँ है वो लोग। अरे वो ये देख यहाँ से, अपने पास में ये अंकित। सो अभी FPV आई गेस क्रैश हो गया वहाँ पे। क्या भाई आज देर कर दी? अरे मैंने कहा देर कर दी, तुम आए लेट हो यार। दूसरा विल जाम डाल दो। आज जोश। हाय सर। जतिन भाई अपनी पहली बॉयज ट्रिप पे निकले। क्या हो तुम इतना? बहुत सारा खाना है, पोहे है, कॉफी है। ओह माय गॉड, रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। Hey guys, good morning. My name is Ankit Bhari and welcome back to the channel. आज हम जा रहे हैं कालू वाटरफॉल और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं साथ में, तो वो आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। हेलो, माय नेम इज जीवन करम, लोग मुझे JKV भी बुलाते हैं और मैं हूँ मराठी ट्रैवल ब्लॉगर। मैं जीवन को पिछले 2 साल से जानता हूँ, तो ये पहली बार हम साथ में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें। और हमारे साथ जतिन शाह। Hey guys, hey guys, what's up? I am Jatin Shah. I'm an actor by profession और अब मैं travel vlogging नहीं करता हूँ। आगे कुछ भी बोलो। इंट्रोडक्शन ही बोला ना। ये पहली बार मैंने ऐसे किसी को देखा है कि जो लोग एक्टिंग में हो वो कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर रहे हैं। लोग लग रहे हैं मेरा असर हो गया है इनपे। दो ऐसे दिग्गज लोग जब साथ में होते हैं तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है। So, मैं आपको कालू वाटरफॉल के बारे में बताता हूँ। ये मैं पहली बार वाटरफॉल जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है ये, बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। और ये पूरे मालशेज रीजन का पता है सबसे बड़ा वाटरफॉल है, तो अराउंड आपको पुणे से अगर आप जा रहे हो तो 110 किलोमीटर्स लगेंगे, 3-4 घंटे का रास्ता है। तो अगर आप निकल रहे हो तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकलना, क्योंकि बहुत कुछ है वहाँ देखने को। आपको वहाँ ट्रैक भी करना पड़ेगा, 2-3 रास्ते हैं। लाइक वाटरफॉल अगर आप जा रहे हो तो ऊपर से भी एक्सप्लोर कर सकते हो और नीचे से भी एक्सप्लोर करके जा सकते हो। तो हम सबसे पहले जाएंगे नीचे, वहाँ पे हम ट्रैक करेंगे, तो देखेंगे कहाँ तक ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियोज़ में देख रहा था ना, वो इतना सेफ नहीं है। लाइक अगर ज़्यादा बारिश है तो ज़्यादा फ्लो है। हाँ, अगर ज़्यादा फ्लो है तो इतना सेफ नहीं है, क्योंकि हमें रिवर क्रॉसिंग टाइप करना पड़ता है वहाँ पे। तो अगर उसका फ्लो ज़्यादा हुआ तो विल नॉट टेक द रिस्क। वैसे वो वाटरफॉल रोड साइड से भी दिख सकता है, बट यू नो वो मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल है वो हिडन ही है, क्योंकि वो जो वाटरफॉल है वो ना 5 स्टेजेस में डिवाइड है। लाइक एक जगह से आते हुए दूसरी जगह ऐसे 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 करके नीचे आ रहा होता है। जितनी जितनी हम पास जाएंगे उतना हमें अच्छे से वाटरफॉल दिखेगा। यू नो कई लोग वहाँ पे रैपलिंग भी करते हैं, उनको बेस्ट व्यू दिखता है। बट एनीवे हमारे पास ड्रोन है तो हम ऑलरेडी बेस्ट व्यू कैप्चर करेंगे। सो अभी यहाँ से चलते हैं, आपको व्यूज़ दिखाते हैं। लेट्स गो। वैसे जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने ज़्यादा कम चांस है हमारे वाटरफॉल के पास जाने को। क्या है ना कि एक बार हम वाटर क्रॉसिंग भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ का लोकल बंदा रहेगा, बट सपोज फ्लो बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होगा वापस आने में, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स है। हम बह भी जाए, अपने इक्विपमेंट्स नहीं बहने चाहिए। मेरे को वाला सीन याद आ गया, बाहुबली में होता ना, अपने सर के ऊपर वो लेके जाती है। बहुत गहरा सदमा लगेगा, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, यस। सो हम यहाँ पे अभी किसी विलेज में रुके, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे थे मुझे, तो हमने सोचा ऑन द वे जाते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे पूछा किसी से कि यहाँ पे हम फ्लाई कर सकते हैं। देखो पीछे आगे फ्लावर, वैसे आपको पता नहीं चलेगा, लेट मी शो यू थ्रू द शॉट्स।
एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप मालशेज रीजन में आ रहे हो, इस वाले रूट से जा रहे हो पुणे से मालशेज, तो आराम से तसल्ली से बैठ के आना, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको रास्ते पे आते और जाते हो दोनों वक्त। अभी हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा फुल है, और शाम को तो ये जतिन भाई भी होके आए थे तो बता रहे थे कि बहुत हालत ख़राब है। यहाँ जाना होना तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग निकलो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अर्ली मॉर्निंग निकलो, एक जगह एक बार कहीं आपको ट्रैफिक लगेगा। एग्जैक्टली, तो 4 या 5 बजे निकलोगे तो बेस्ट रहेगा। हम थोड़ा सा लेट निकले, 7 बजे निकले, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एवरीवेयर। जस्ट 30-40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कहाँ मज़ा आएगा पता नहीं, इनकी आदत क्या होती है चला चला के। बोर हो रहा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ, हालत खराब। अब अच्छा आया रास्ता, अब अच्छा है बहुत टाइम बाद, बट ये ज़्यादा देर तक खुशी रहने नहीं मिली। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है जस्ट मालशेज घाट के व्यू के सामने, और वी गोइंग टू हैव टी हियर। बहुत ज़्यादा रोड ऐसे ऐसे मालशेज घाट पे तो चक्कर आने लगते हैं, इसलिए हम थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं। वेदर अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, दिस व्यू इज रियली अमेजिंग। क्या मस्त व्यू है मेरे सामने, फ्रंट व्यू बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपने आपने वो देखा मालशेज घाट तो पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि हम आज कुछ भी देख पाएंगे। बहुत एक्सट्रीम में फॉग है यहाँ पे और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे, और लाइक कोई कुछ नजारा नहीं दिख रहा। आप देखो नीचे बाहर जस्ट फॉग है। क्यों लैंडस्लाइड में हो जाए? तो गाइस अभी हम मालशेज घाट पूरा क्रॉस करते हुए आए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश थी, अभी भी बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी बारिश, इट्स फाइन। और यहाँ से हमें विलेज वाला रूट लेना है, तो ये जो विलेज है ये सावरनी विलेज बोलते हैं इसको। जैसे आप उतरोगे मालशेज घाट से, आप यहाँ से राइट लेके जा सकते हैं गाँव में, बिल्कुल एंड पॉइंट पे। उस गाँव का नाम क्या है इनको पता है? एक्चुअल में नाम है वाघ्याची वाड़ी, बट गूगल पे उसका नाम जो है वो दीवान पाड़ा करके आ सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पार्किंग में जाओ, फिर वहाँ से ट्रैक करके जा सकते हैं। चलो चलते हैं। बहुत नैरो रोड्स हैं, नैरो रोड के बाद आपको दिखेगा ये छोटा सा ब्रिज, और ये है कालू रिवर, और हम लोग को जाना है कालू वाटरफॉल पे। तो चलिए फटाफट ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। रही है, बारिश का पता नहीं चल रहा कि बारिश कब आ रही है और कब जा रही है। सामने हमें व्यू दिख रहा है, हमने कार पार्क की, और यहाँ पे आई गेस हमारी कार के अलावा और कोई कार नहीं है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी है वहाँ पे कालू वाटरफॉल जाने का? यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है टिटबी करके गाँव है, वहाँ से भी एक रास्ता है, तो वहाँ से मुश्किल वाला है, वहाँ से आसान वाला है, ऐसा ही सेम है। हमें सामने दिख रहा है वाटरफॉल, अभी यहाँ से चलते हैं, आधे घंटे का शायद ट्रैक करना पड़ेगा, और वहाँ हमें एंड पॉइंट पे जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम ट्राई करेंगे। आर यू गाइस रेडी? बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि कैसे बारिश हो रही है, कैसे रुक रही है। थोड़ी देर बीच में रुकी थी, सो वी टुक द शॉट्स ऑफ दैट वाटरफॉल, एंड नाउ आई कांट सी एनीथिंग, इट्स फुल फॉगी, फुल लाइक क्लाउडी, बट होपफुली इन सम टाइम इट विल गेट क्लियर। लेट्स गो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल।
कितनी दूर है वाटरफॉल? वाटरफॉल अभी कम से कम एक दो किलोमीटर एक दो किलोमीटर आगे हमें रोप की भी जरूरत पड़ती है, रस्सी? हाँ, रस्सी की पड़ती है जब ज़्यादा बारिश रहेगी तब। अच्छा, जब ज़्यादा बारिश है तब, वरना नहीं। बहुत सारी लेयर में डिवाइडेड है वाला वाटरफॉल। हाँ, पांच लेयर में। और ये राइट साइड वाला वाटरफॉल कौन सा? ये रेटी है। रेटी? हाँ, क्या रेटी वाटरफॉल? रेटी वाटरफॉल। ओ, यहाँ पे भी जाते क्या लोग? नहीं, इधर कोई नहीं जाते, तिसलन वाली जगह है। शेर आया था? हाँ, शेर आया था हमारे इधर, अटैक किया था हमारे कुत्तों के ऊपर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अभी तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा हमारे। पक्का बोलो? हाँ, पक्का। अंकित भाई, इसको बताया उसने कि नहीं आएगा घर? शेर, शेर अगर आए, सुनो, शेर अगर आएगा ना तो मुझे अंकित भाई से आगे भागना है बस। बस बाकी अपन सेफ है। तेज बारिश में अपने वो डर अपना नहीं है यार, वो इक्विपमेंट के अंदर कहीं कुछ पानी उसका डर नहीं, और शेर का भी डर, शेर का भी बहुत डर। पानी, आग और बीवी, तीनों से हमेशा बच के। ओह माय गॉड, मुझे आपको देख के तो नहीं लगता है कि तुम डरते रहोगे? नहीं, मैं डरता हूँ बीवी से। लागली रास्ता मैं कहूँगा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत स्लिपरी है, मॉनसून के कारण बहुत स्लिपरी है, बट व्यू इज अमेजिंग। आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिख रहा है वो। बहुत मजा आने वाला है। All the way from Pune to get to see this amazing waterfall view. I can see two waterfalls in front of me and I'm going to take the shot with Avada. Luckily it stopped raining and I can see the clear view. I'm so excited. I think the view is gonna be really, really amazing. Let's take the shot. One, two, three. रिवर क्रॉस करके है हाँ, उधर आगे है। चले वापस उड़ेगा नहीं यार, ट्राई करो ना एक बार वापस। ट्राई करा यार, उल्टा हो गया वो ड्रोन एक्चुअली। वो देखो वहाँ पे, वो सामने पेड़ के पास है। इधर आओ, इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें प्ले हो रहा है, इसमें डालो आके पूरा। हाँ, देखो दिख रहा है आपको, चल रहा है? हाँ चल रहा है ना, आप देखते रहो। वो टकराया किसी से? क्या टकराया? नहीं है यार, वो एकदम से चला गया, वो सामने ही है। अरे अटका है उधर, अटका है। ओके, हाँ तो वहाँ पे है, वो पेड़ के पास है, क्रॉस करना पड़ेगा हमें। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। रिवर कैसे क्रॉस कर सकते हैं आपको पता चला कहाँ पे है? कुछ आइडिया लगा? हाँ। चलो फिर चलते हैं जल्दी से। सो अभिजीत और अंकित गए वहाँ पे, वहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा उस रिवर को। रिवर क्रॉस करने के बाद उस एक पेड़ है, पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, पेड़ के पास वो अटका हुआ है, तो वो दोनों गए हैं, मैं और जीवन भाई बस जा रहे हैं। सो अभी FPV आई गेस क्रैश हो गया है वहाँ पे, हम ढूंढने जा रहे हैं। वाटरफॉल का व्यू लेने से पहले ही चला गया वो, फीलिंग सो बैड, आई होप मिल जाए हमें। तो हम लोग भी जा रहे हैं ड्रोन ढूंढने के लिए, बिकॉज शाम से पहले अगर नहीं मिला तो हम लोग रात में रुक भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। सो वी आर जस्ट मूविंग फास्ट। आई डोंट नो रास्ता कैसा है। जो आदमी हमारे संग है उसने बोला है कि वो नदी तैर के जाएगा वहाँ पे, तो लेट्स सी। मैंने कैमरा का एंगल थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया, तो इतना वो पुश नहीं ले पाया और वहीं पे वो रुक गया। बहुत डर लग रहा है अभी, जल्दी जल्दी जाते हैं। मिल जाए बस, आई थिंक इट्स स्टिल कनेक्टेड, बट वो टर्टल मोड में भी फ्लिप नहीं हो रहा, घास मटक गया है गैस।
जाना कहाँ से, अपने को रास्ता भी नहीं पता यार। जूते पूरे गए, पूरे गीले हो गए। कहाँ से गए ये लोग? उस साइड आ गए। रास्ता पता है क्या जिन्होंने आपको? हैं? रास्ता पता है क्या? चलो चलो ओके। मुझे तो पता नहीं है, ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे? नहीं, ये लोग उतरे कहाँ से होंगे, मेरा क्वेश्चन वो है। तो मुझे कोई पता नहीं है। अंकित, अंकित, क्योंकि वो कहीं से तो नीचे उतरे होंगे, तभी वो उधर उस साइड जाएंगे। अपन लोग ऑपोजिट साइड जा रहे हैं अभी। हम रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं। चलो, अभी इतना ज्यादा फ्लो है। सॉरी हाँ, मेरे को रिवर दिख रही है, हम रिवर के पास ही जा रहे हैं। आई कैन सी द रिवर। यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो ये लोग क्रॉस करके ही गए होंगे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे जाने के लिए नीचे ज़्यादा फ्लो रहता है और ऊपर से हमें थोड़ा सा जगह मिल सकता है, क्योंकि ऊपर क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे आता है। मुझे लगता है कि ऊपर ही जाना पड़ेगा फिर से हमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस वो मिल जाए तो अपन ट्राई करो फिर कहीं से जहाँ से फ्लो कम है, पर अपने को मिलने तो चाहिए कि जरूर कि पहुँचे वो लोग वहाँ पे। इसी रास्ते से जाना था ना वैसे? क्या? इधर नहीं। किस साइड? नहीं नहीं, एक बार आप देख लो फिर भी। वो रिवर के पास है बिल्कुल, यहाँ इस रिवर के, हाँ उधर कहीं है। हाँ, तो बहुत गहरी रिवर होगी वो। क्रॉसिंग कहाँ है? क्रॉसिंग आगे है क्या? क्रॉसिंग उधर भी है, आगे भी है। ठीक है, तो उस साइड है शायद। यहाँ से नहीं कर सकते ना क्रॉस? इधर से नहीं क्रॉस। हाँ बोला क्या? हाँ, उसने बोला मैं तैर के जाऊंगा, तो इतनी आगे नहीं आए होंगे ये लोग। ये लोग उसी साइड होंगे। इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता, तो वो जाएंगे तैर के वहाँ क्रॉस करके उस साइड। फ्लो तो ज्यादा है, पर वो कहाँ से गए रहेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। अब सीन ये है कि वो लोग तो हम लोगों को मिल नहीं रहे, वो कहाँ किस डायरेक्शन में गए हमको कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ पे ये ट्रेल आती है वहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा है पानी का, तो अब समझ नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं लगता मिलेगा ड्रोन। बात ये भी है ना कि अपने को क्रॉस करना भी है कि नहीं करना। वो लोग रहने चाहिए यार साथ में अपने, कि अपन कहाँ आगे चले गए वो कहाँ रह गए। वो जब तक नहीं मिलेंगे अपन आगे कैसे बढ़ेंगे? ऊपर से कितने उनको आवाज़ देते हैं एक बार। तो मैं गैस वापस जाता हूँ वहाँ से देखूँगा। तो यहाँ से जा रहे हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जतिन भाई, yes. अंकित का ये कितना क्रैश रहेगा? ये उसका चौथा पांचवा रहेगा, है ना? वो पहले का मिनी भी क्रैश हो गया, अब ये भी हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। आई थिंक ड्रोन से चेक करना पड़ेगा एक और फ्लाई करके। सो ये लोग तो नहीं मिल रहे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब ड्रोन उड़ाते हैं और देखते हैं वो लोग कहाँ हैं, कौन से साइड में। आई होप हम लोग को मिल जाए। लेट्स गो, आई होप पता चल जाए कहाँ हैं वो लोग। और शाम होने से पहले हम लोगों को वापस बेस तक भी पहुंचना है।
चलो चलो। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अंकित है। मिल गया? हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया। सो कहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा ड्रोन थोड़ा सा? देख तो रहा हूँ मैं उसको, बट वो बंदा कहाँ पे? वो अकेला ही है अंकित। अंकित अकेला ही, वो बता रहा है अपन वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन ये जगह कौन सी है ये वाली? तो ये अंकित को फॉलो करेंगे हम। उसको मिल गया क्या? मिल गया कि बैग तो टंगा लिया उसने। ये देखना मुझे तो लग रहा है, लेकिन ये जगह कहाँ है? अपना लोकेशन देखो, अपन कहाँ पे हैं इधर मैप में? है हमें तो पता है। ये देख वो, अरे वो आगे जा रहा है साला हमें छोड़ के। नहीं नहीं, वो रास्ता। और वो अकेला क्यों जा रहा है? वो अकेला क्यों जा रहा है? वो है ना अभिजीत। ये क्या है? कहाँ पे अभिजीत नहीं है? ये देख क्या कर रहा है वो। उसको थोड़ा सा ऊपर देख ना, वो अकेला क्या कर रहा है वो? अभिजीत कहाँ पे? फॉलो करना पानी के पास या कहीं आया तो पता चले अपने को। मैं बताता हूँ इस टाइम में अकेले क्या कर रहा था। इस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे, ना कोई नेटवर्क था और FPV का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना इम्पॉसिबल था विदाउट चेकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन विद अनदर ड्रोन। और वो ड्रोन उनके पास था विद द लास्ट बैटरी रिमेनिंग, जो कि अभी उड़ रहा है। और मुझे अंदाज़ा था कि जतिन और जीवन ने अभी पहली रिवर भी क्रॉस नहीं की होगी, तो मैं बस भागा भागा वापस उस लोकेशन पे जा रहा था ताकि हम तीनों मिल सकें और साथ में फिर मिल के कोशिश करें। एक्चुअली हम सबको अलग ही नहीं होना चाहिए था, बट अभी भी था हमारे पास वक्त, शाम होने में कुछ देर बाकी थी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू रीच टू द रिवर पॉइंट। पता चल रहा है कहाँ? ये देख ना, ये देख यहाँ पे, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं फॉलो तो कर रहा है, लेकिन वो इस साइड आ रहा है कि किस साइड जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंकित जा कहाँ रहा है? वो पानी के पास ही है, देखो है पानी के पास ही वो, जहाँ भी है। क्यों जा रहे? अरे वो ये देख यहाँ से अपने पास में ही है। अंकित जतिन, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे सामने, सेम सेम, आता जा ऊपर, आता जा। कहाँ पे वो अंकित? ये देखिए यहाँ पे नीचे। अपन कहाँ? हम यहाँ पे इस साइड में। रुक जाओ, आ रहे हैं वहीं पे। कहाँ पे हो? मैं आगे जा के चेक करूँ क्या? नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क। ओके वापस आओ, वापस आ रहे, आ रहे, आ रहे, वापस आ रहे। देख वापस तो आ रहा है वो, ये देखो वो अकेला ही है। और यार और वही तो बोल रहा हूँ मैं, अकेला क्या कर रहा है वो? बैग रख दिया उसने। ये सामने, अपने सामने, ये देखे देख। हाँ रुको, आ रहा है, रुको उधर ही खड़े रहना। आ रहे रोक, आ रहे रुको। हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। यहाँ से कैसे आएंगे? ज्यादा नहीं है ना डीप? अब ये लोग भी आते हुए, इनको बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा, ये मिल गए मेरे को, ये भी आ रहे हैं। अरे क्या पता नीचे गिर गिर गया तुम्हें। ये पत्थर है यहाँ पे, एक ध्यान से आना, फिसलन वाला पत्थर है यहाँ पे। हाँ हाँ साहब, ये नेक्स्ट लेवल एडवेंचर था भाई। कैसे कैसे ढूंढा हमने, नहीं नहीं मिला रहा वो, मेरे को ड्रोन फ्लाई करना पड़ेगा एक। अरे मुझे लोकेशन पता है क्योंकि उसके अंदर मैं लोकेशन देख सकता हूँ। सो अभी हम तीनों मिल गए हैं, हम गुम हो गए थे यहाँ इस जंगल में, एक रिवर क्रॉसिंग कराई, उसके बाद हम अभी सेकेंड पॉइंट पर जा रहे हैं, वहाँ से हम ड्रोन फ्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पर है वो। ओके सो अभी वही देखते हैं, मैं इन सबको दिखाऊंगा ड्रोन फुटेज, तो ये फिगर आउट करेंगे। आ गई है, ट्राइंग टू फाइंड द ड्रोन। एक अलग एडवेंचर हो गया आज का। डैम लोकेशन कालू वाटरफॉल नहीं होती। अरे यार शिट, ऐसा नहीं लग रहा, होपफुली मिल जाए।
लोकेशन तो हमें पता चल गई है। नहीं, ट्रेल पे नहीं जाना, हमें वहाँ जाना है, कोने पे जाना है, कोने पे जाना है अपन को। अच्छा, ओके। अंकित भाई, किस लेवल का एडवेंचर चल रहा है ये? बट ये कालू वाटरफॉल जाने के लिए यही रास्ता है, है ना? दिस इज द ओनली वे भाई। खतरनाक ये, मतलब हम कैसे कैसे ढूंढे तुम्हें पता है? मैं दूर से देखा कुछ तो हिल रहा है, तो सोचा कि तू ही रहेगा। ये तुम्हारे जैकेट की वजह से। अच्छा अच्छा हुआ तुमने पीला पहना था। आ जाओ भाई। वो कितना टेंशन में आता पता है क्या? कि कहाँ गया अंकित? अंकित का नंबर भी नहीं लग रहा है, वो बंदे का भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर से चला रहा था, जब दिन बहुत देर से चला रहा था। क्या वो किस लोकेशन पे? यहाँ पे आगे आ जाओ। आगे नहीं, वो आगे, वो वहाँ पे क्या कर रहा था? अभिजीत, अभिजीत, तो हमारे संग जो बंदा आया था गाइड, तो वो नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। अभिजीत, हाँ, मिला, आई आवाज आई उसकी। ड्रोन फ्लाई करते हैं, फिर चेक करते हैं। फ्लाई कर रहे हैं, ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। रुको रुको, ऑन है। ड्रोन फ्लाई करके देखा जा रहा है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। इस वाले में कि पिछले वाले? यही है। अपन यहाँ पहले खड़े हुए थे उसके पास में ना। ड्रोन तो दिखाओ उसमें। ऐसे नहीं पता चलेगा भाई, ड्रोन से हमें लोकेशन चेक करनी है और उनको वहाँ भेजना है, हमें ड्रोन नहीं दिखेगा कभी भी। रुको रुको, ये चेक करने तो, ये लोकेशन है कि नहीं है, क्योंकि वो नहीं पता। अरे यही है लोकेशन। नहीं नहीं, अरे एक बार जूम आउट तो करने दो। अपन कहाँ खड़े थे वो देखो ना, उस साइड खड़े थे, उसके नीचे गिरा ना डायरेक्टली राइट में। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। तो अपन खड़े थे, यही है, ये यही पे गिरा है। एक बार और ड्रोन देखने तो कहाँ है? चलो नहीं, यही से रास्ता नहीं, साथ में ही जाते हैं, मुझे पता चला वो कहाँ पे, समझ में आया। चलो चलो चलो, ये लास्ट बैटरी है। ये भी दिखा मुझे, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये ही वही जो यहाँ पर गिरा। राइट ला ये तसाज, राइट, हाँ निकले, तिथेच एक छोटी कांडी दिसते का, हाँ तिथे पर सापड लगा। बैटरी आने तो सीधा लेफ्ट, राइट लो, हाँ राइट लो, ऊपर करो, और ऊपर करो, आगे, और ऊपर, आने दो, हम आगे, क्या बात, ये पेड़ है, रुकना, हाँ, आ जाओ, देखो, हम सारे अलग हो गए थे, ड्रोन गुम हो गया था, इन्होंने मुझे मुश्किल से ड्रोन से ढूंढा, और फिर हम तीनों ने मिलकर फिगर आउट किया कि इस जगह पे है, और फिर हमने एग्जैक्टली वो बंदा रिवर क्रॉसिंग करके गया था और वहाँ पे उसने ढूंढा। ये जो ड्रोन है वो इंडिया में
आई थिंक पहली बार ही फ्लाई हो रहा है, yes, yes, है ना yes. और यही भाई कर रहा है और यही क्रैश हो गया और इसी का स्टोरी बन गया इतना मिल गया और मिल गया सब चीजें मिल गई। अब जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम बचा है तो वाटरफॉल देख ही लिया जाए, तो चलते हैं बराबर। यार ऐसे यहाँ पे गंद नहीं फेंक रहा, वो आ रहे वहां पे, दैट्स द वाटरफॉल, यहाँ से जाना है हमें। सो हमने बहुत सारे यहाँ पे शॉट्स लिए इस वाटरफॉल के, इसी पॉइंट पे खड़े होके हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे कोई व्यू पॉइंट है नहीं, यहीं से बेस्ट व्यू पॉइंट हमें दिख रहा है वाटरफॉल का और आगे बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ गया है तो हम क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो दैट्स द बेस्ट प्लेस, हम यहीं पे खड़े होके वील टेक फ्यू शॉट्स और फिर यहीं से हम वापस जाएंगे। आज का एडवेंचर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है स्पेशली उस ड्रोन को गुम होने के बाद। वी आर वेरी लकी कि हमें वो वापस मिल गया, सीरियसली बहुत मजा आया। फिर से उड़ाया भाई, फिर से उड़ाया मैंने और फिर से गड़बड़ नहीं हुई थी, फिर से डर लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा। एक टाइम पे तो गया था ना नीचे जा रहा था फिर वो ब्रेक मारा मैंने उसमें, फिर ब्रेक से वापस ले गया। अभी मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट अभी के लिए फिलहाल लेट्स टेक फ्यू शॉट्स एंड क्विकली गो। सो 1 2 3 स्टार्ट। आई होप यू enjoyed द फुल ब्लॉग, अगर देखने मजा आया तो लाइक करना प्लीज़ वीडियो में एंड कमेंट करके बताना। यहाँ पे आ रहे हो तो स्पेशली किसी लोकल के साथ आना, बिना लोकल के मत आना यहाँ पे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी, सो थैंक यू सो मच। आपने बोल सीरियसली बहुत हेल्प की। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो अभी तक एडवेंचर खत्म नहीं हुआ। क्यों मैम, एडवेंचर खत्म है भाई? नहीं, रिवर क्रॉस करने वापस जाना है और अभी बारिश गिर रहा है, जाते टाइम पे रिवर का पानी तो बहुत बढ़ गया रहेगा, नया एडवेंचर। चलो ठीक है, बट हम अपना एडवेंचर वो हम अपने ब्लॉग में करेंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियो एंड या हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। विद दैट सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, बाय। ये हमारा बेयर गिल्स एक्टर को हाथ देते हुए, ओ माय गॉड कितना मतलब कितना ओवर एक्टिंग। हाँ बहुत सांप और जहरीले जानवर है यहाँ। खाना है क्या? बाय।
वाला देख ले भाई क्या कर रहे हो यार चाय पी रहे यहाँ बैठ के जो हमारे सब गाइड आए थे उन्होंने हमें अभी पना दी थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए तो हम चाय पी रहे हैं अभी कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए अच्छा लग रहा है कैसे यहाँ पे सो सकते हैं हालत में सो सकते हैं बट अभी हमें 4 घंटे की जर्नी तय करनी है 4 घंटे ट्रैफिक में जीवन चलाया जीवन में एकदम फैमिली मेंबर लग रहे कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ गए क्या यार यहाँ पे आके इन्हीं के साथ घुल मिलने गए तो क्या फायदा है ना मतलब बिल्कुल सही है इनका पूरा लाइफस्टाइल समझ में आता है इनके साथ बात करने के बाद बिल्कुल सही है ये अंकित भाई इतना मेरे को फुटेज दे रहे भाई मेरा हिंदी अच्छा नहीं है लोग हंसते रहेंगे मेरे हिंदी के ऊपर हिंदी बहुत अच्छा है सही भाई जतिन भाई चले भाई थक गए चले 4 घंटे की जर्नी और तय करनी चलो चलते हैं।